नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछी। प्रथम हेडलाइंस महंगा डबल मर्डर घटना विवाद में मंत्री प्रताप जेना पीए बापे विशाल मोबाइल जांच करने को दावी कले मृतकों परिवार। व्हाट्सएप वायरल को नहीं चर्चा चोर। कटक महंगा डबल मर्डर घटनार प्रतिवाद आज पुलिस महानिर्देशकों अफिस् घेर बीजेपी माता मठर डीजीपी अफिस् जाए विक्षोभ शोभायात्रा कार्यक्रम। नयागढ़ बहुचर्चित नाबालिका अपहरण और हत्या मामला आज हेबो अभियुक्त नाबालक नार्को टेस्ट शुणी। एसआईटी आवेदन उपर शुणी करे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट। कोविड कटकणे राज्य में आज खोल स्कूल दशम और द्वादश श्रेणी छात्र छात्री को पाठ पढ़ा सामाजिक दूरत सह मास्क और सानिटाइजर बाध्यतामूलक प्रति क्लास में बसवे 20-25 जन छात्र छात्री। आज पुणी टीकाकरण ड्राई रन सबु जिला और पौर निगम 2 घंटा पाई चलो अभ्यास प्रति जिलार 3 मेडिकल को सामिल करने को निर्देश। एवं जलेश्वर भोगराई उदयपुर निकटर 45 ग्राम ब्राउन सुगार जबत 6 जन को अटक रखी पचराउचरा कर मेराइन पुलिस जबत ब्राउन सुगार आनुमानिक मूल्य 4.5 लाख टंका। आसवा संपूर्ण खबर को 6 ब्राउन सुगार बेपारी धरी पुलिस रे जिम्मा देले स्थानीय लोके। बालेश्वर भोगराई तालसरी सामुद्रिक थाना निकट में यह घटना घटी। उदयपुर बेलाभूमि निकट में ब्राउन सुगार कारबार समय स्थानीय लोक मैंने 6 जन को धरी प्राय 45 ग्राम ब्राउन सुगार जबत कर तेज जबत ब्राउन सुगार आनुमानिक मूल्य 45 लाख टंका हेबो बोली जनापड़ी। पुलिस 6 जन को गिरफ्त करने अधिक तदंत कर तेज 6 जन 2 जन युवक घर जलेश्वर अंचल होता बेले अन्य 4 जन स्थानीय अंचल बोली जनापड़ी। दीर्घ 9 मासर व्यवधान परे आजिटो खोलिबो समस्त सिनेमा हॉल। सरकार को पक्षरु जारी करा जाइथिबा एसओपी को माने सिनेमा हॉल गुडी को खोला जाउछे। विशेष भाबे मास्क पिंधिबा एवं सामाजिक दूरत्व रक्षा करबा को गुरुत्व दिया जाइछे। कोरोना काल रे सिनेमा हॉल खोलितबारु एथरो टिकट लेस करबा को पदक्षेप निया जाइछे। अर्थात ग्राहक ऑनलाइन टिकट बुक करि परिबे ता सहित क्यूआर कोड स्कैन करि टिकट कन्फर्म करि परिबे आउ हॉल भितरे फूड मध्य ऑर्डर करि परिबे। यहा सह सामाजिक दूरत्व रक्षा करबा निमन्ते 2टे चेयर मध्यरे गोटे चेयर फांका रखा जाउछे। एने अधिक आलोचना आम सहित जोड़ी रही प्रतिनिधि सतरूपा। सतरूपा जानकु चाहिए वर्तमान समय गोटे परे गोटे अनुष्ठान खोल लगी अर्थात वर्तमान समय सिनेमा हॉल खोल ये पुणी दीर्घ 9 मास व्यवधान पर मुख्यतः जानकु चाहिए जो मैंने देखा जब सिनेमा देखा जब विशेषकर किभली एसओपी जारी करते सुरक्षा व्यवस्था को किभली देखो तो दीर्घ 9 मास परे जो रही प्रेक्षालय तथा सिनेमा हॉल खोली एवं सिनेमा हॉल खोलिया परे राजधानी भुवनेश्वर रे किछि सिनेमा हॉल रे भिड़ देखा मिले किछि सिनेमा हॉल खाँ खाँ लगी कारण 1 तारीख रु जितेबाला सिनेमा हॉल खोल बोली सरकार नोटिस करते से ही समय सिनेमा हॉल खोली जाता किंतु शुक्रवार आज पड़ नुआ फिल्म रिलीज होती जहाँफल आज सिनेमा हॉल थिएटर में फिल्म लगी देखिपे सीधासल चित्र फिल्म हॉल टी खाँ खाँ भितर किसी लोक अच्छा भितर को कौन सी व्यक्ति को प्रवेश करने को दि जाऊना बाध्यतामूलक रही कारण सानिटाइजर मास्क एसबूर पूर्व आम देखु सानिटाइजर कथा कहतु मास्क कथा कहतु एवं सामाजिक दूरता को बाध्यतामूलक करते बड़े भी लोक जदि जेहेतु कि अनलाइन सब टिकेट को संभवपर बिक्री करने संभवपर हो न पारे कि मात्रार टिकेट बा 30% बा 20% टिकेट जोटा अफलाइन बिक्री हो ताकु नहीं जहाँ रही सामाजिक दूरता बजाई कर रखापी लोकों पर रास्ता उपरे जो थिएटर जो जगह टिकट काउंटर कटा जाए ता सामना रे सामाजिक दूरता 6-6 फुट गैप गोटे गोटे गोल कर लोके छिड़ा कि टिकट काटिपारे प्रथम शो आरंभ हो सारी शो आरंभ हो सारापर हल भितर विशेष मात्रा लोक देखा न मिलते भी जो सिने प्रेमी रही सिने प्रेमी यहाँ गोटे खुशी खबर कारण अनेक सिने प्रेमी धीरे धीरे
सिनेमा हॉल आड़क आसुच्चंती प्रेक्षालय मुहां होउचंती एवं दीर्घ दिन धरी जो इंडस्ट्री गुड़िक कथा कहतु ओलीउड इंडस्ट्री कथा कहतु बॉलीवुड इंडस्ट्री कथा कहतु सबू इंडस्ट्री रे जहाँ रही फिल्म सुटिंग को मध्य नहीं कि अनेक कटकणा देखा मिलूला कारण जो फिल्म सुटिंग हुए अनेक लोक एकत्रित होती तो भी जो कटक जारी रही अनेक फिल्म जो रही वर्तमान रिलीज कौटा हेबार उपर रही कौटा रिलीज हो पारना और अनेक फिल्म वर्तमान सुटिंग चली तो निहाती भाव में आगामी गोटे दुई दिन मास मध्य फिल्म जो इंडस्ट्री संपूर्ण भाव में फेरवापी आहरी गोटे रु दुई मास लगे जहाँ फिल्म इंडस्ट्री लोके जहाँ प्रतिक्रिया पूर्व रखिंट तो निहाती भाव में देखिपे काउंटर रे लोकंर धीरे धीरे भिड़ जमुची विशेष मात्र लोक एत न आसिले भी जो भिड़ को देखा गले अनेक लोक आसुच्चंती काउंटर रे छिड़ा होती काउंटर को जितेबाला आसुच्चंती काउंटर रे जो भितर जो व्यक्ति रही मास्क ग्लोवस सहित भितर रही आम जड़े सिने प्रेमी अच्छा आम सहित पचार सार नौ मास पर खोलुची केमती कौन आज टिकट काटि सारे थिएटर को जब केमती कौन रही बहुत अच्छा लग रहा है इतने साल मतलब इतने महीने बाद ये खुला अच्छा लग रहा है। नहीं जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से एसओपी जारी किया गया है कि आप जब भी अंदर जाएंगे मास्क होगा मुंह में सैनिटाइज अपने को खुद को करना पड़ेगा जी, जी, और जो थिएटर के अंदर एक सीट छोड़ के एक को बैठना है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं ये ठीक है कैसा क्या एसओपी के बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल अच्छा है ऐसे ही अच्छा है। तो निहाती भाव में जहाँ देखुले जो फिल्म हॉल भीतर को जो सिने प्रेमी माने आसुचंती प्रवेश करुचंती को मध्य भीतर उत्सुकता रही कारण दीर्घ दिन धरिकी से माने थिएटर को आसी नथिले एवं जो काउंटर रो स्थिति देखि पारुथबे काउंटर परिसर भीतर मध्य जे रही से संपूर्ण भाव में मास्क ग्लोवस ये सब पिंधिक रही सबू जो रही गोटे फिल्म एवं आउट गोटे फिल्म सीटिंग अनुयायी जो फिल्म होता है शो वाइज जो फिल्म होता है फिल्म शो वाइज हॉल को मध्य सानिटाइज करा प्रक्रिया रही तो निहाती भाव में धीरे 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 सब अनुष्ठान खोलुची स्वाभाविक होउची आज फिल्म हॉल रे मध्य किछि मात्रा रे लोकंकर जीवा आसीबा देखिया को मिलिजे संपूर्ण भाव में स्थिति पूरा पूरी भाव में स्वाभाविक न होइतिले भी लोकंकर भिड़ न देखिबा को मिलिथिले भी अनेक लोक धीरे धीरे प्रक्षालय मुहा होउचंती। बहुत बहुत धन्यवाद सतरूपा आपंकर तमाम सूचना पाई तेज धीरे धीरे लोके मुहां होती जेहेतु आज सिनेमा हॉल खोलुची ये हूँ दीर्घ नौ मास व्यवधान पर किभली लोकों सुरक्षापी समस्त प्रकार व्यवस्था करूँ चलित थर जेहेतु कोविड कटक परवर्त समय चलित थर टिकेट लेस करने को एक पदक्षेप नि आसिया परवर्ती खबर को महांगा नृता डबल मर्डर घटन बाटबणा होनी तो तदंत मुख्य अभियुक्त को नहीं अभिसंधि अभियोग पर भी पुलिस चुप हत्यारू राजनैतिक रंग पोछी देवाक चक्रांत यह प्रश्न एथपाय उठू कारण मामलार तदंत कर एसडीपीओ पीके जेना विरोध में रही संगीन अभियोग महांगा नृता डबल मर्डर घटन बाटबणा होनी तो तदंत मुख्य अभियुक्त को नहीं अभिसंधि अभियोग पर भी पुलिस चुप पूर्व शत्रुता ना राजनैतिक रंग पोछीदेक चक्रांत यह प्रश्न एथपाय उठू जे महांगा मामलार तदंत कर एसडीपीओ पीके जेना नाँ रही संगीन अभियोग ये से पुलिस अधिकारी जहां नाँ पंचायत निर्वाचन बेले आसीला संगीन अभियोग एवं शुणु पुलिस अधिकारी पीके जेना नाँ संगीन अभियोग तालिका एवं शुणु किभली संगीन अभियोग रही पुलिस अधिकारी पीके जेना नाँ मृत कुलमणि बराला पुव रमाकांत अभियोग अनुसार गत पंचायत निर्वाचन बेले मृतांगे घटी राजनैतिक हिंसा 2017 मसीहा फेब्रुआरी 12 तारीख राति प्राय 11:30 मृत कुलमणि बराला घर निकट में संघबद्ध भाव किसी लोक पहुंची जहां मध्य महांगा ब्लक अध्यक्ष भिकारी चरण स्वाई जेकि शासक दलर जड़े बड़ समर्थक केवल भिकारी नथिले तांको सांगरे पुलिस अधिकारी पीके जेनांको सोथिले किछि समर्थक जो माने पुलिस अधिकारी को उपस्थिति रे रमाकांत और तांको बापा कुलमणि को गाड़गुलज करबा सह घर पछ कबाट भांगी पसिथिले सबु किछि पुलिस अधिकारी पीके जेनांको उपस्थिति रे घटिला घर टाणी टाणी आणबा सह रमाकांत को मुह मारी फटाई देथिले एजेंट ना फाइनल करबा को दाबी करथिले
यापरे बिना कारण रे पुलिस रमाकांत गाँव एगार जन को राताराति उठाई नहीं समस्त मोबाइल छड़ाई ने राति सारा सालेपुर थाना थार्ड डिग्री पुलिस यापरे रमाकांत बापा कुलमणि सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट में आवेदन करते उभय पक्ष को शुणा पर कोर्ट कही अटक बेआईन एवं समस्त जमिन प्रदान करते सबुठ आश्चर्य कथा मामलें जड़े साक्षी हिसाब से रमाकांत नायक को दर्शा जाता दुर्भाग्य रमाकांत नायक ना गाँव कौन व्यक्ति नापड़ा जो स्पष्ट होता जे पुलिस तार मन इच्छा केस पंजीकृत करश्न उठू जो अफिसर से मनमुखी केस बनाई बर्तमान हत्यार तदंत कर समान अधिकारी और प्रथम रु मुख्य अभियुक्त किए ताकू नहीं रही द्वंद पुलिस पंचानन सेठी ना कहता बेले कुलमणि पर मुख्य आरोपी होिकारी स्वाई एवं प्रश्न उठू मुख्य अभियुक्त किए कहीं पर लोकों अभोग को गुरुत्व देनी पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट ऑर्गस। कटक महांका डबल मर्डर घटनार प्रतिपाद एवं आज पुलिस महानिर्देशकों ऑफिस घेरब बीजेपी माता मठर डीजीपी ऑफिस जय विक्षोभ शोभायात्रा कार्यक्रम कटक महांका दुई बीजेपी नेता हत्या कर घटन पुलिस एचआई सात जन को गिरफ्त कर तेरह जन अभियोग मंत्री प्रताप जेना नाम रही मंत्री प्रताप जेना गिरफ्त दावी में बीजेपी आंदोलन जारी रही है सीधा सड़क जा कटक प्रतिनिधि विश्वजित दास विश्वजित एही घटन वर्तमान दाबी जोर धरी किभली प्रतिवाद करा विक्षोभ स्वर उठू एवं वर्तमान समय आज पुलिस महानिर्देशकों ऑफिस घेरब पाखापाखि तीस हजार कर्मी एथिरे उपस्थित रहिबे जानिया को चाहिबे कार्यक्रम के तले रही निश्चित भाव में माधुरी देखो महांगार जो दुईट मर्डर केस डबल मर्डर केस होता है ताकू अति गुरुत्वर सहित रही बीजेपी एवं आज राजरास्ता को ओह्लैसी और राजरास्तार मिनिमम पाखापाखि कहीपर कोड़ी हजार ऊर्ध कर्मी बीजेपी आसवे और डीजी ऑफिस घेराव करेंगे और तांकर दाबी रही कि जो मैंने कुलमणि बराल और दिवसिंह बराल को हत्या कर समस्त जो जहाँ ना एफआईआर रही से समस्त को गिरफ्त कर सहित मंत्री प्रताप जेना जेहेतु परोक्षर संपुक्ति रही बहिष्कार तदंत परिषदभुक्त करश्चित भाव में आज बीजेपी साक गुरुत्व सह नहीं कि आज डीजी ऑफिस घेराव कर पाखापाखि कोड़ी हजार ऊर्ध बीजेपी कर्मी आज एकाठी हे और एकाठी हो पाखापाखि माता मठर एवं डीजी ऑफिस सामना को आसवे और राली पाखापाखि एगारटा समय आरंभ होगापर डीजी ऑफिस घेराव करेंगे और स्वतंत्र व्यवस्था कर देखिए पुलिस पक्ष स्वतंत्र व्यवस्था कर पाखापाखि दस प्लाटून पुलिस फोर्स भूत रही पाखापाखि डेढ़ सौ पुलिस अफिसर डीजी अफिस सम्मुख अच्छा ये हूँ डीजी अफिस सम्मुखर दृश्य मुझे आपको देखे तदा दृश्य देखिपे समस्ते सजग रही जेहेतु अधिक मात्र आज बीजेपी कर्मी मैंने जोगद जो राली रही किभली सफल कर आगे पटे हूँ जो दाबी रही कि जो अभियुक्त मैंने अच्छे से गिरफ्त करथाशीघ्र पाखापाखि सात जन गिरफ्त कर आउ जो अभियुक्त मैंने अच्छा से गिरफ्त हाँ आवश्यक रही है और जेहेतु मंत्री प्रताप जेना बहिष्कार दाबी करजेपी से आज राजरास्ता को ओह्लैसी और डीजी ऑफिस घेराव कर निश्चित भाव में पुलिस पक्ष व्यापक व्यवस्था करपर पाखापाखि दस प्लाटून पुलिस फोर्स सहित पाखापाखि शहे पचास रु ऊर्ध अफिसर अच्छी नियोजित अच्छा ये हूँ डीजी ऑफिस सम्मुखर दृश्य पूरा प्रस्तुत सहित पुलिस अफिसर मैंने मुतयन अच्छा घटनास्थल डीसीपी उपस्थित रही किभली तदारख कर से सब घटना को देखुं देखिपे सब रास्तार डीजी अफिस जो रास्ता गुड़िक रही सब अफि रास्ता गुड़ी ब्लक कर ये तार जाली दि जाए सहित पुलिस मुतयन रही कौन प्रकार जीभली डीजी अफिस को प्रवेश न करे कौन से परिस्थिति न सृष्टि होती ये जो व्यापक व्यवस्था करपटे निजे डीसीपी घटनास्थल पहुंचे ये डीसीपी उपस्थित अच्छे देखिपे विजुआल बीजेपी कर्मी मैंने जो मैंने रही किसी समय पर माता मठ ठूँ बाहर और से मणीसा छक डीजी ऑफिस आसवे निश्चित भाव में कहींपर कौटना कौटि बीजेपी गुरुत्व सहित नहीं दुईटी जो मर्डर केस होता महांगारे बीजेपी नेता हत्या कर अति निर्मम विभत्स हत्या करके गोटे प्रकार गुरुत्व सहित नहीं बीजेपी और आज राजरास्ता को ओह्लैसी और पूर्व निर्देश क्रमे पूर्व जानते हैं सब थाना एफआईआर कर।
ଘେରାଉ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକି ଦାବି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଡିଜି ଅଫିସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଭାବେ ବିଜେପିର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଘଟଣାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଗଲା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ, ପାଖାପାଖି 14 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 13 ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଗଲା, ରାଜନୀତି ବେଶ ସରଗରମ ରହିଲା, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାତା ମଠରୁ ଡିଜିପି ଅଫିସ ଯାଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଡିଜିପି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଫିସ ଭିତରକୁ କିଭଳି ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆସୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ଜଣକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରିବ, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘେରିବାକୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଡିଜିପି ଅଫିସ ଭିତରକୁ ନ ପଶିପାରିବେ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ଯେହେତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେଠାକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ଏତଲାରେ, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି 2 କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ନିଜେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ନିଜେ ସେ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ପରୋକ୍ଷରେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଏ 2ଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି, ଏବେ କହିପାରିବା ବିଜେପି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ପରେ ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲେଇଛି, ଆଜି ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି ଏବଂ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ କାଲି କହିଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ରହିବ ଏବଂ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆୟୁରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଆହୁରି ରହିଲେଣି ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଡିଜି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ, ପାଖାପାଖି 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହିତ ପାଖାପାଖି 150 ପୋଲିସ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି କିଭଳି ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ନଯାଉ ଏବଂ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାତା ମଠରୁ ଡିଜିପି ଅଫିସ ଯାଏ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ବିଜେପି, ପାଖାପାଖି 20,000 କର୍ମୀଙ୍କରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ସ୍କୁଲ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 10ମ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରି ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ 20ରୁ 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସିବେ। କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଛୁଟି ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯିବ। ତେବେ ଏ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ କିଭଳି କଟକଣାକୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ କିଭଳି ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ସିଧାସଳଖ ସେଠାକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର। ସାଗର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୁରୁକୁଳ
आश्रम रे सेठी दीर्घ 9 मास पर स्कूल खोली एवं छात्र छात्री को जदि कथा कहवा से उत्साहित होती तबे जिला प्रशासन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जोटा जारी करथिले ताकु पालन करी आमे जदि आमे देखिबा ताकु पालन करी ही सबु स्कूल स्कूल को बा विद्यालय को छात्र छात्री माने आसुचंती सामाजिक दूरत्व मध्य जदि आमे देखिबा सामाजिक दूरत्व मध्य गोल काटी एठारे मेंटेन करा जाउची सामाजिक दूरत्व सहित सानिटाइजर एवं टेम्परेचर मापिया पई मध्य व्यवस्था रखा जाइची तो जोटा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हिसाब रे तांकर जेपरी टेम्परेचर मपा होची आमे देखिपरिबा एवं तांकर सानिटाइज मध्य हाथ सानिटाइज करी सेमाने स्कूल को प्रवेश करचंती आम संगे किछि अछंती छात्र छात्री अछंती आसंतु ए छात्री को पचारिबा केमती रहिची वर्तमान माहौल वर्तमान 9 मास पर आपण आसुचंती स्कूल को केमती रहिथिला ऑनलाइन क्लास रहिथिला सेटा केते दूर हेल्पफुल थिला एबे जतेबेले निजे आपण टीचर को संगे टीचर को लाइव देखिबे तांको टीचर आपण को पढ़ेबे केमती लागिवो ऑनलाइन क्लास रे एते हमे फोन होइथिला तेला हम घरे रे बुझि नै पाउथिनु एबे जतेबेले क्लास रे करूछु न खुला जतेबेले एबे रे बुझि होउछि देखु छात्र छात्री मान उत्साह रही से कहते वर्तमान जिते बड़े 9 मास दीर्घ 9 मास पर खोली जिते बड़े स्कूल खोली से मैंने ऑनलाइन क्लास रे सेते उपकृत हो पार नी कहते वर्तमान खोल से दीर्घ 9 मास पर स्कूल को आस उत्साहित रही आउ जे आम सागर छात्री रही गुरुकुल छात्री पचार एबे वर्तमान 9 मास पर कोरोना कटक हटा जाइए आपन स्कूल को जी आप डर लगुनि तो पढ़ाई क्लास रही टीचर मैंने पढ़ा बुझे ना जो कोरोना प्रति जो भय रही केमती आप सोशल डिस्टेंस पालन करेंगे ना केमती कौन करेंगे आप सोशल डिस्टेंस पालन करोना सानिटाइजर स्कूल तरफ दि जा आम सांगे स्कूल मैनेजमेंट जड़े रही पचार कौन सब विधि व्यवस्था ग्रहण करोना 9 मास पर कटक हटा जा बर्तमान सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपन को दि जाइए कौन ताको पालन कर दीर्घ 9 मास धरी कोरोना स्कूल सब बंद था ए बर्तमान स्कूल सब खोली तो गवर्नमेंट जहाँ भी एसओपी गाइडलाइन अच्छी प्रति क्लास से 20 रु 25 जन आप देख पाते थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजर दि हो समस्त को मास्क कंपलसरी करदि भी कहको किसी थंडा कि घास अच्छी आगर एंट्री कर तो ये सब सब गवर्नमेंट जहाँ भी एसओपी गाइडलाइन अच्छे मानिक आमको चलने पड़ो तो जो कहला जे गोटे क्लास को विभक्त करके भाग भाग कर सोशल डिस्टेंस रही पार बर्तमान गोटे क्लास से गोटे बेंच आम गोटे स्टूडेंट को बसुचु क्लासरूम संख्या भी बढ़ाई से हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर तमाम सूचना पाई तबे ये होची पाखापाखि दीर्घ 9 मास पर स्कूल खोली और स्कूल पक्षर समस्त प्रकार व्यवस्था करतेबाड़ी कि 100 दिन में पाठपढ़ा शेष हे तो कौटना कौटी छात्र छात्रों पर यह निश्चित भाव गोटे बड़ चैलेंजिंग र आसा परवर्त खबर को नयागढ़ नाबालिका हत्या मामलें हत्याकारी गिरफ प्रतिवाद में बीजेपी पक्ष दाबी जोर धरी एने प्रति पंचायत स्तर में देवादेवी को दीपदान आज रणपुर ब्लक गोड़ीपड़ा दलय कर्मी शोभायात्रा बाहरी दीपदान करजेडी सरकार मनमुखी शासन को निंदा करने मंत्री अरुण साहू को तुरंत बहिष्कार करने को दावी होटनार सीबीआई तदंत दावी कर दल जदि परी को न्याय न मिले आगामी दिन में राजरास्ता को ओह्लैब चेतावनी दी बीजेपी समय सारी बुलेटिन को ये रखु अधिक खबर पाई देखु अर्गस न्यूज नमस्कार।